आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ एंग्री बर्ड ग्रिल इंस्टॉलेशन का वीडियो, और शायद ये पहला वीडियो होगा यूट्यूब में इंस्टॉलेशन के बारे में, क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसा बताया नहीं है। जब मैं जानकारी लेना चाहता था तब मेरे को ऐसा कोई लिंक नहीं मिला, तो मैं सोचा अपना मैं शेयर करूँ जो क्लिप्स और वीडियो बनाया था। तो आज आप लोगों को यही एंग्री बर्ड ग्रिल इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊँगा, तो बने रहिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देख सकते हैं दोस्तों, सामने का फिनिशिंग अच्छा है, मुझे भी अच्छा लगा, और पीछे से थोड़ा रफ है, जो कोई फिनिशिंग नहीं है लेकिन ठीक है। और पीछे चार बोल्ट्स दिए हैं, और लेकिन चारों बोल्ट्स लगते नहीं प्रेजेंट और थार में, तो चारों को काट के ऊपर अलग से दो वी शेप का क्लिप लगाए, और फिर ऊपर तरफ में थार के फ्रंट फेस में होल किए, तब इसको कनेक्ट किए। ये कुछ क्लिप्स हैं। और ये भी बता दूं दोस्तों, क्योंकि ये पहला वीडियो होगा एंग्री बर्ड इंस्टॉलेशन का वीडियो, क्योंकि इस ऐसा वीडियो इंस्टॉलेशन का मैंने अभी तक नहीं देखा यूट्यूब में। ये देखिए चार बोल्ट जिसे काट दिए और ऊपर लगाए हैं दो क्लिप, उससे फिर होल किए फ्रंट फेस पे, उससे फिर स्क्रू बोल्ट से टाइट किए। तो ये वीडियो पहला वीडियो होगा यूट्यूब में एंग्री बर्ड इंस्टॉलेशन का, क्योंकि सब लोग तो फिट करने के बाद ही दिखाते हैं। मैं आप लोगों को इसके दौरान का दिखा दूंगा, स्टार्टिंग का और उसके बाद का। सामने से देखने में तो शार्प एजेस, ऊपर की तरफ दो क्लिप लगा है, वो आगे वाली वीडियो में दिखेगा, और ये चारों बोल्ट्स को काट दिए हैं। ये जो नीचे ग्रूव देख रहे हैं उसको काट के इसमें प्रोजेक्टर लाइट लगाए हैं। दोस्तों ये बोनेट स्कूप का वीडियो तो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, इसे देख सकते हैं आप पहले के लिंक में। ये स्प्रे पेंट करवाने के लिए छोड़ा था एंग्री बर्ड ग्रिल को, तो ये स्प्रे पेंट कर रहा था अभी, फिर से अभी थोड़ा ख़राब हो गया, फिर से इसको रीपेंट कराना पड़ेगा। लेकिन ये तब का वीडियो है जब स्प्रे पेंट कर रहा था, पुट्टी उट्टी लगा के फिनिशिंग किया था, तब स्प्रे पेंट कर रहा था उस वक्त का है। और एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों, मुझे ग्लैडिएटर ग्रिल से ज़्यादा पसंद मुझे ये वाला ग्रिल लगा, क्योंकि जैसे थार सिंपल लुक में है तो उसमें ग्लैडिएटर लुक जो आता है वो कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा कर्व का रहता है, तो उतना मेरे को तो नहीं सूट करता। हाँ लेकिन ये सूट करता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी लोगों का अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मैंने यूट्यूब में बाकी वीडियोस देखा हूँ तो थार में ये लुक ज़्यादा अच्छा लगता है, सिंपल सोबर और लुक भी अच्छा उभरता है, और वहाँ ग्लेडिएटर ग्रिल में कुछ ज़्यादा ही कर्व रहता है तो थोड़ा अगली लुक आता है, क्योंकि पूरा थार सिंपल लुक में बॉक्सी टाइप है, और सामने उतना कर्व और
वो थोड़ा लुक ज़्यादा ही हो जाता है, तो मेरे को ये पर्सपेक्टिव अच्छा लगता है, ये लुक सिंपल है और सुंदर लगता है। दोस्तों ये प्रोजेक्टर लाइट लिया था, लेकिन एक गलती कर दिया मैंने, DRL भी वाइट है और इसका प्रोजेक्टर लाइट भी वाइट है, तो अगर येलो होता कोई एक लाइट तो अच्छा ज़्यादा लुक आता, लेकिन दोनों वाइट है, जल्दबाजी में वही गलत डिसीजन लिया तो इसीलिए दोनों वाइट हो गया। लेकिन आगे चेंज करूँगा, जब कभी कुछ प्रॉब्लम होगा या कि एंग्री बर्ड को वैसे ही रीपेंट कराना है तब चेंज कराऊँगा। ये देखिए इंस्टॉलेशन के बाद, पेंट होने के बाद और लाइट लगने के बाद कितना अच्छा लुक आ रहा है। और हाँ एक और बात बता दूँ दोस्तों, एंग्री बर्ड लगाने से पहले या कोई भी ग्रिल लगाने से पहले जो स्टॉक लाइट है उसका प्लेसमेंट को बदलना पड़ता है, उसे नीचे थोड़ा होल करके नीचे लगाना पड़ता है, तो ये बात यहाँ ध्यान में रहे। एंग्री बर्ड ग्रिल निकालने लगाने के लिए बम्पर निकाले हैं,
ये बेकार है, कभी भी निकल सकता है। ये फर्क है, ये बाहर निकला हुआ है, ये भी बाहर निकला है, थोड़ा डिफेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। दरवाजा एक बार में बंद नहीं होता, ये फर्क है, इसमें गैप है, नीचे ठीक है, ऊपर गैप है। अब विंडशील्ड से पानी आता है, यहाँ बराबर है। दोस्तों लाइट का प्लेसमेंट देखिए, होल करके नीचे प्लेस किया गया है और मैन्युअली सेट किया गया है अपर और डिपर के लिए। ये देखिए दोस्तों, मैन्युअली सेट किया गया है, अलग से स्क्रू से होल करके फिर उसको अलग से नट लगा के वो लाइट को ऐसे सेट किया गया है कि डिस्पर्स करे और अपर और डिपर दोनों में फैले। और ये फ्रंट फेस में ऊपर देखिए एक होल किया गया है राइट तरफ, एक लेफ्ट तरफ, उस पे टिकेगा एंग्री बर्ड। ये टिपर है ना? हाँ अपर, हाँ ठीक है ना? हाँ, देखिए दोस्तों लगाते वक्त का वीडियो, ऊपर दो क्लिप लगाए हैं और चारों बोल्ट को काट दिए और दोनों क्लिप्स को एंग्री बर्ड में दो स्क्रू लगा के टाइट किए एक क्लिप को, और फिर ये देखिए बोल्ट, अब इसी को ऊपर घुसाएंगे और पीछे से नट लगा के टाइट कर देंगे तो हो जाएगा। और चारों बोल्ट जो लगे थे वो उसमें नहीं लग फिट होता। दोस्तों मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये सब जुगाड़ के ही कामों मॉडिफिकेशन होते हैं, इसीलिए उतना ही मॉडिफिकेशन कराइए जितना कि ज़रूरी हो और अच्छा लगे। ज़्यादा मॉडिफिकेशन में देखिए जैसे लाइट का प्लेसमेंट बदलना पड़ गया, होल इतने कराने पड़ गए तो आगे चल के जंक लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, रस्टिंग होगा, तो इसीलिए।
लगवाते हुए कि हर बोल्ट से पहले जॉइंट्स में रबर लगेगा तो मेटल से टकराएगा नहीं और टाइट बना रहेगा हमेशा। नीचे का भी लगा दीजिएगा रबर। पैसा मिल गया था, भूख रहा है, पैसा मिल गया, कहाँ मिल गया, कहाँ मिल गया। अब लाइट जलेगा तो और मजा आएगा।
दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, जिनको भी थार में इंटरेस्ट है।